సంఘటన జరుగుతుంది. ఎన్నిసార్లు పోలీసు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేసినామంటే ఆసిఫ్ నగర్ ఏసీపీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక 3 అమానుష ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే పాడుబడ్డ బంగ్లాలు ఉన్నాయో అవి ఇటువంటివి అబెండెంట్ ప్లేసెస్, అబెండెంట్ బిల్డింగ్స్, గవర్నమెంట్ బంగ్లాలు పాతవి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఉపయోగంలో లేవో ఇవన్నిటి మీద కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించి వీటన్నిటిని సొసైటీ గోల్కొండ పిఎస్ లిమిట్స్ మే ఏక్ రాబరీ హువా ఉస్మే చార్ లోగ్ చార్ ఆఫెండర్స్ ఉస్మే ప్రైమ్ ఆఫెండర్ హై హరీష్ ఉస్కే సాథ్ వెంకటేష్ సుశాంత్ ఔర్ దూసరా అభిషేక్ సింగ్ ఏ చార్ లోగ్ మిల్కే దో గాడీ మే ఆకే సక్కుబాయ్ సొసైటీ కే కరీబ్ మే ఏక్ లారీ డ్రైవర్ కో మార్ కే ధమకా కే ఉన్కనే సే ఉన్కా వాలెట్ ఉన్కా మొబైల్ ఔర్ ఉన్కా సిల్వర్ చైన్ గల్లే మే జో చైన్ థా వో స్నాచ్ కర్కే లే గయే ये देख के बगल में है सो दूसरे कोई ड्राइवर्स आके उसको रोकने की कोशिश करे तो वो ड्राइवर्स को भी दो लोगों को मार के उनके पास भी एक मोबाइल फ़ोन छीन के लोग भाग गए वहाँ से. उसके बाद में इमीडिएटली फिर जाके वो जो ड्राइवर इनको अपोज करके रेसिस्ट किया उसको मारने के लिए दो और लोगों को इनके साथी को बुला के पूरे 6 लोग फिर वहाँ पर आके कुछ गड़बड़ करके वहाँ से भाग गए. तो इस इंसिडेंट करीब रात में 2:30 बजे हुआ. उसके बाद में इमीडिएटली हमारे पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर और जो उनका क्राइम स्टाफ है पूरे मिलके 24 आवर्स में डिटेक्ट हुआ केस है. पूरे लोगों को अगले दिन पूरा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कलेक्ट करके प्रोसीडियर्स कॉल लेटर वो सब एस्टाब्लिश करके इन 4 लोगों को अरेस्ट करे उसी दिन. बाकी का उसके थोड़ी देर के बाद और 2 लोग जो विशाल और विवेक इनके साथी थे उनको भी अरेस्ट किया गया है. पूरे 6 लोगों का जुडिशियल कस्टडी को इनका 6 लोगों को भेजा गया है. इसमें 2 लोग जो हरीश और अभिषेक सिंह है इनके पुराना इनका हिस्ट्री भी है क्राइम हिस्ट्री. और इसमें अभिषेक मालूम हो रहा है कि वो ऑलरेडी 3 केसेस में इन्वॉल्व है. एक उसमें गांजा बेचने का केस एक्साइज वाले इनके खिलाफ रजिस्टर करे सर. उसके अलावा हरीश के खुद मालूम हुआ कि इन्फॉर्मेशन के जरिए कि 13 केसेस में वो भी इन्वॉल्व है. 13 केसेस इसी तरह के केसेस है स्नैचिंग और एक्सटॉर्शन के केसेस. वो भी वेरीफाई करके पूरा ये जितना भी मटेरियल अवेलेबल है रिमांड के समय कोर्ट को पेश करेंगे इन्वॉल्व है. उसके बाद में वो लोग दो दूसरा ड्राइवर बगल में ऐसे ड्राइवर दो अपोज करे देख के उसको फिर रोकने की कोशिश करें उनको मार के चले गए. तो ये जो ड्राइवर अपोज किया उसको फिर डराने के लिए फिर और 2 लोगों को लेके आए. तो वो 2 उसमें इन्वॉल्व है. वो फोन उनके पास सौंपे सो रिसीवर ही हो रहा तो उसके वजह से उसको रिसीवर दिखा रहे. अभी केस में सीसीटीवी कैमरे का कुछ मदद मिला इधर तो टोली चौबीस चौरसा बड़ा चौरसा है वहाँ के कैमरे थोड़े बंद है बोल के बता रहे उसके तरफ क्या बोल रहे. कई कैमरास तो नैनो सेकंड के कैमरास काफ़ी तर काम कर रहे हैं कई जगह काम भी नहीं कर रहे. उसी तरीके से कम्युनिटी कैमरास भी करीब 60% तक काम कर रहे 40%